Welcome back to our YouTube channel. In the series of learning graphics, today we will discuss about plasma monitor in second unit of the sixth lecture. Okay, let's start. What is plasma panel display? चलिए पढ़ते हैं. देखिए plasma display computer display हुआ जिसपे हर एक pixel illuminate होगा plasma के मदद से या फिर charge gas के मदद से. ठीक है, जिसको नियॉन लाइट भी बोला जाता है. प्लाज्मा डिस्प्ले आर थिनर देन सीआरटी डिस्प्ले एंड ब्राइटर देन एलसीडी. प्लाज्मा का जो डिस्प्ले होता है सीआरटी से पतला होता है और एलसीडी के अपेक्षा ब्राइटर होता है. इसका ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा होता है, पिक्चर रिजोल्यूशन अच्छा होता है. प्लाज्मा डिस्प्ले आर समटाइम्स मार्केटेड एज थिन पैनल डिस्प्ले. प्लाज्मा पैनल को ही थिन पैनल डिस्प्ले भी बोला जाता है. And can be used to display either analog video signals या display modes of digital computer input. Plasma panel का use हम लोग analog video signals को display करवाने के लिए करते हैं या फिर digital video या फिर digital computer input के लिए. Plasma panels are also known as gas discharge display. Plasma panels को gas discharge display भी कहा जाता है. ये objective type एक question हो गया कि plasma panel का another name क्या है. gas discharge display. It consists of an array of small lights. Lights are fluorescent in nature. ये जो gas discharge display हुआ ये छोटा छोटा light के समूह से बना होता है. ठीक है, देखिए essential components of the plasma panel display. Plasma panel की जो भी essential components है, क्या क्या component मिलके plasma panel display बनता है उसको discuss करते हैं. First is cathode. हम सभी जानते हैं कैथोड क्या होता है. नहीं, कैथोड निगेटिव वोल्टेज को, निगेटिव चार्ज को रिलीज करता है. इट कंसिस्ट ऑफ फाइन वायर्स. इट डिलीवर्स निगेटिव वोल्टेजेस टू गैस सेल्स. या एक पतला तार का बना होता है, निगेटिव वोल्टेज को गैस सेल तक पहुंचाने में मदद करता है. द वोल्टेज इज रिलीज अलॉन्ग विद द निगेटिव एक्सिस. कैथोड में जो भी वोल्टेज रिलीज होगा वो केवल निगेटिव एक्सिस से ही रिलीज होगा, तो वो कैथोड है. एनोड. इट ऑल्सो कंजिस्ट ऑफ ए लाइन वायर्स. इट डिलीवर्स पॉजिटिव वोल्टेजेस. एनोड जो भी एक लाइन वायर्स ही होता है, पतला वायर्स होता है, और ये केवल पॉजिटिव वोल्टेज को पहुंचाता है. पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव एक्सिस से, निगेटिव वोल्टेज निगेटिव एक्सिस से. ठीक है, कैथोड का काम है निगेटिव वोल्टेज पहुंचाना, एनोड का काम है पॉजिटिव वोल्टेज पहुंचाना. और फ्लोरोसेंट जो सेल्स है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, और हर एक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई होता है जिसके कारण लाइट इमिट होगा. ग्लास प्लेट क्या होता है. दिस प्लेट एक्ट एज ए कैपेसिटर. ग्लास प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करता है. द वोल्टेज विल बी अप्लाइड, द सेल विल ग्लो कंटिन्यूअसली. वोल्टेज अप्लाई होगा और सेल लगातार जलते जाएगा, यानी कि लाइट इमिट होगा. ठीक है, तो देखिए वर्किंग. द गैस विल स्लो व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट वोल्टेज. जब वोल्टेज में चेंज होगा तो गैस ऑटोमेटिक उसका स्लो होगा. डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वायर्स. अगर हॉरिजेंटल वायर या फिर वर्टिकल वायर में थोड़ा भी अंतर हुआ तो गैस उसका स्लो हो जाएगा. द वोल्टेज लेवल इज केप्ट बिटवीन 19 वोल्ट टू 120 वोल्ट. और प्लाज्मा पैनल का जो भी वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज, वो 90 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक फिक्स किया जाता है. एंड प्लाज्मा लेवल डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग. इसमें हमको रिफ्रेश बार बार करना नहीं होता है डिस्प्ले को. इरेजिंग इज डन बाय रिड्यूसिंग द वोल्टेजेस टू 90 वोल्ट्स. इसमें इरेजिंग जो है, वोल्टेज को अगर 90 वोल्ट से कम कर दिया जाए तो इरेजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा. प्लाज्मा पैनल का जो रिजोल्यूशन होता है डिस्प्ले का 512x512 पिक्सल. ओके, ये प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले है. यहाँ देख सकते हैं उसका डायग्राम, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे वर्क होता है. वर्किंग देखे लिए कंपोनेंट्स यहाँ देख लीजिए, 3D डायग्राम है. चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं. प्लाज्मा पैनल जो है वॉल माउंटेड है, यानी कि इसको हम दीवार पे कहीं भी टांग सकते हैं, हैंग अप कर सकते हैं. सेकंड है स्लिम, बहुत ही पतला होता है एज कम्पेयर टू सीआरटी. वाइडर एंगल, इसमें वाइडर एंगल फैसिलिटी भी है. रिजोल्यूशन इसका हाई होता है. लार्ज स्क्रीन साइज ऑल्सो पॉसिबल. इसका स्क्रीन साइज लार्ज होने के कारण वॉल्यूम जो है इसका कम होगा. लेस वेट, वेट थोड़ा कम होगा. एंड फ्लिकर फ्री डिस्प्ले, डिस्प्ले जो है फ्लिकर फ्री रहेगा. डिसएडवांटेज क्या है,
फॉस्फोरस लूजेज ल्यूमिनेसिटी ओवर टाइम्स, फॉस्फोरस जो है कुछ समय के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी खो देता है। टीआई कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी देन एलसीडी, यानी कि प्लाज्मा जो है एलसीडी के अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। रिजोल्यूशन इसका पुअर है। लार्ज साइज, साइज लार्ज होगा। वायरिंग रिक्वायरमेंट एनोड एंड द कैथोड इज कॉम्प्लेक्स, इसमें वायरिंग का जो रिक्वायरमेंट है एनोड और कैथोड के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है रिपेयरिंग पर्पज के लिए। ओके, इट्स एड्रेसिंग इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, इसका एड्रेसिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय SBT चेला, डायरेक्टर राकेश रोशन, को डायरेक्टर प्रिंस रोमियो।